भारतीय समाचार के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार मंदिरों और देवस्थानों पर पति पत्नी का एक साथ पूजा करना शुभ माना जाता है, लेकिन देवभूमि कहे जाने वाले हिमाचल प्रदेश में एक ऐसा मंदिर है जहां पति पत्नी के एक साथ पूजा करने को शुभ नहीं बल्कि अनिष्टकारी माना गया है। यह मंदिर राज्य की राजधानी शिमला के रामपुर में है। यह मंदिर त्राईकोटी माता के नाम से जाना जाता है। ये देवी दुर्गा को समर्पित एक प्राचीन मंदिर है जहां पति पत्नी को एक साथ देवी माता की पूजा और प्रतिमा का दर्शन करने को मना किया जाता है। इस मंदिर के बारे में लोगों का मानना है कि यदि कोई दंपत्ति यहां देवी दुर्गा की प्रतिमा के दर्शन एक साथ कर लेता है तो उसे दंड भुगतना पड़ता है। यहां पति और पत्नी के लिए देवी के पूजन और दर्शन की अलग अलग व्यवस्था की गई है। यहां के लोगों का मानना है कि इस मंदिर में देवी माता की पूजा या दर्शन करने से पति और पत्नी के रिश्तों में तनाव पैदा हो जाता है। यहां प्रचलित किंवदंती के अनुसार एक बार जब भगवान गणेश और कार्तिक में श्रेष्ठ कौन है और किसका विवाह पहले होगा, इसे लेकर प्रतियोगिता हुई। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि जो ब्रह्मांड का चक्कर सबसे पहले लगा लेगा उसे श्रेष्ठ माना जाएगा और उसका विवाह पहले होगा। तब कार्तिकेय अपने वाहन मयूर पर ब्रह्मांड का चक्कर लगाने के लिए निकल पड़े, लेकिन भगवान गणेश ने शिव और पार्वती की परिक्रमा की और कहा कि माता पिता के चरणों में ही पूरा ब्रह्मांड है। कार्तिकेय के वापस आने तक गणेश का विवाह हो गया था, जिसके कारण कार्तिकेय नाराज हो गए और उन्होंने प्रण लिया कि वे विवाह नहीं करेंगे। कार्तिकेय के प्रण से माता पार्वती क्रोधित हो गई और कहा कि जो दंपत्ति इकट्ठे उनके दर्शन करेंगे वह अलग हो जाएंगे, इसी कारण यहाँ पति पत्नी एक साथ पूजा नहीं करते। त्राईकोटी मंदिर में दरवाजे पर आज भी गणेश जी अपनी पत्नी के साथ विराजमान हैं।